वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ में रैपिड रेल स्टेशन निर्माण के दौरान एलएनटी की क्रेन टूटकर नीचे आ गिरी। टूटी क्रेन की चपेट में कई मकान में दुकान आने से 3 लोग घायल हो गए हैं, जबकि दुकानदारों को भी खासा नुकसान का सामना करना पड़ा है। दरअसल मेरठ में शनिवार दोपहर परतापुर थाना क्षेत्र में बोर बराल के पास रैपिड रेल स्टेशन पर काम कर रही एलएनटी कंपनी की कंस्ट्रक्शन क्रेन ओवरलोड के कारण टूटकर शकील नामक व्यक्ति के घर पर जा गिरी। यहां शकील की पत्नी, बच्चा बिलाल समेत 3 लोग उसकी चपेट में आने से घायल हो गए। इसके अलावा रियाजुद्दीन व रईसुद्दीन सहित सुभाष की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इसे लेकर वहां काफी देर तक हंगामे की स्थिति रही। मौके पर मौजूद नसीम ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? नसीम है जी। क्या घटना हुई आज यहां पर? हमारे बच्चे काम करते हैं, दुकान है हमारी है। जी, घर भी है, दुकान भी है हमारी है। दोनों दुकान डैमेज हो गई, घर भी डैमेज हो गया सारा जी। नीचे से ऊपर तक बच्चों की जान बच गई, बच्चे यही काम कर रहे थे। और महिला जो बता रही हूँ, महिला नाजमा चाय बनाने गई थी, एकदम जो थाम देसी हुई वही चक्कर खा के गिर गई, सोफे के ईंट लगी है सीने में चोट लगी थी, उसको ऊपर ही जा रहा। तो पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस को बताया इस बारे में? बताया था जी, फोन करा था पुलिस को, पुलिस भी आई थी, कुछ नहीं करी उन्होंने, लिख कर ले गई। क्या नाम है आपका? जी वही दुकानदार अजीम ने यह बताया। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम अजीम नाम है मेरा, और मेरा फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन का काम है, और यहाँ एक क्रेन गिर गई है 3 दुकानों में, और काफी नुकसान हुआ है, 3 बच्चों को चोट भी है, एक महिला जख्मी है। और सर अगर हम इनसे बोल रहे हैं कि इनको चोट लगी है तो बोलते हैं हाँ हमारा अस्पताल है, हम करा देंगे। हम सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी सिर्फ यही अपील है योगी जी से कि हमें न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। आपने पुलिस को सूचना दी इस मामले की? जी सर, पुलिस आई थी, पुलिस लेकिन मैं यहाँ पर नहीं था सर, मैं अभी आया हूँ। मुझे अब पता लगा है कि सर जब कस्टमर का फोन आया कि मेरी एसी टूट चुकी है, उसके बाद में बोला कि मुझे नई एसी चाहिए। सर ये नुकसान है, मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ सर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv, और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार।